मुझे जिला बदर किया जाता है, चुनाव के दौरान मुझे 750 रुपये लूट लगा दिया जाता है, 12 घंटा पूत रखा हुआ है और 12 घंटा बाप रखा हुआ है सांड। मैंने एक शब्द यही कहा था, जनता दिक्कत, हमें दिक्कत, हमें दिक्कत, पूरे प्रदेश को दिक्कत। फोर्स पहुँचती है दल बल के साथ, हमें गिरफ्तार कर लेती है। वो लोग हमें दिखाते हैं कि राजा मान सिंह को लखनऊ के सबसे बड़े 5-स्टार होटल हैत होटल से गिरफ्तार किया जाता है। और 24 घंटे के अंदर हमने यही कहा था, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। इनके जितने भी वर्क हैं, जितने भी कार हैं, ये केवल कागज पे कर रहे हैं, जमीन पे इनका एक भी काम नहीं दिख रहा है। हवा नहीं भैया, आंधी चल रही है समाजवादी के पक्ष में, मान के चलिएगा। अयोध्या जनपद की 5 सीट है, 5ों सीट पर हमारा कब्जा रहेगा। जिस तरह किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा के 4 किसान को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसी अपराधी की 4 महीने में बेल हो जाती है, 5 किलो राशन देते हैं। कड़ुआ तेल था 2017 में 70 रुपये में, आज बढ़िया वाला कड़ुआ तेल 250 रुपये में। जो विरोधी लोग थे फर्जी मार्कशीट में, जाली मार्कशीट में 5 साल की सजा पा गए हैं, मौजूदा में मंडल कारागार फैजाबादी लूट है। बी ए फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, जाली मार्कशीट बनवाते हैं, सेकेंड ईयर में दाखिला ले लेते हैं। हम इस वक्त अयोध्या की सरजमी पर मौजूद हैं। यूं तो अयोध्या का जिक्र बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, राम मंदिर के लिए भी होता है, मस्जिद बाबरी मस्जिद जो थी उसके लिए भी हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है इसका। लेकिन हम इतिहास पर ना जाकर वहाँ की सियासत का जिक्र करें, क्योंकि ये सियासत यहाँ की पूरे देश को इफेक्ट कर रही है और यहाँ के सियासतदान कहीं ना कहीं पूरे देश पर इफेक्ट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजा मान सिंह मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किधर की हवा चल रही है और गोसाईगंज का रुख किधर है। मान सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। क्या लग रहा है, किसकी हवा चल रही है? हवा नहीं भैया, आंधी चल रही है समाजवादी के पक्ष में, मान के चलिएगा। और अयोध्या जनपद की 5 सीट है, 5ों सीट पे हमारा कब्जा रहेगा। 5 सीट आप कब्जा कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? क्या जरूरत है, क्या जरूरत उनकी? 5 साल जनता के बीच में गए नहीं, न उनका सुख दुख बांटे हैं, न उनका दर्द बांटे हैं। 12 घंटा पूत रखा हुआ है और 12 घंटा बाप रखा हुआ है सांड। आप देख रहे, माननीय योगी जी बोलते हैं कि मैं गुंडे ही बंद कर दूंगा। आपने देखा था जिस तरह किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा के 4 किसान को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसी अपराधी की 4 महीने में बेल हो जाती है, वो बाहर आ रहा है, तो कैसा कानून है? ये अयोध्या से आप ताल्लुक रखते हैं, अलग ही सियासत चल रही है यहाँ पर, आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही बीजेपी ने अयोध्या में काफ़ी कुछ डेवलप कर रखा, तो यहाँ पे कैसा लग रहा है कि भाई कैसे बीट कर पाएंगे? ये कुछ किए ही नहीं है, इनकी जुमले है, क्यों झूठी सरकार है। इनके जितने भी वर्क हैं, जितने भी कार हैं, ये केवल कागज पे कर रहे हैं, जमीन पे इनका एक भी काम नहीं दिख रहा है। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लोग समझदार हैं, जनता जागरूक हो गई है, इनके पास कोई मुद्दा कोई मिशन नहीं है। रोजगारी बात करिए, बेरोजगार पर बात करिए, ये कुछ बात नहीं करेंगे। सरकार बोलती है हमने 4.5 लाख रोजगार दे दिए, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है हर महीने 2-2 बार, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई सरकार इस पर जो है गेम कर सकती है? आप समझदार हैं, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 5 किलो राशन देते हैं, कड़ुआ तेल था 2017 में 70 रुपये में, आज बढ़िया वाला कड़ुआ तेल 250 रुपये में। बताइए, आप भी किसान घर से हैं, हम भी नौजवान साथी किसान घर से हैं, कोई उद्योगपति घर का नहीं है, ठीक। अपने मन की बात बोलिए तो जेल की राह पकड़ा देते हैं। माननीय मोदी जी योगी जी की मन की बात सुनिए, जनता सम्मान बना के बैठी है। 27 तारीख को यहाँ 5वें चरण का चुनाव है, 10 मार्च को फाइनल हो जाएगा, सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी, समाजवादी की सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, ये अटल सत्य है। अच्छा, अभी बीच में आप पर भी एक आरोप लगा था नोट को लेके, कुछ काफ़ी दिक्कत भी आपको पेश आई, कुछ पुलिस थाना भी होता, वो क्या पकड़ता? काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं आखिर मान सिंह के साथ हुआ क्या? जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। जनपद की सबसे बड़ी जीत हम चुनाव जीते थे, मैं परजन में जिला पंचायत सदस्य मसौदा द्वितीय से, मुझे जिला बदर किया जाता है, चुनाव के दौरान मुझे 750 रुपये लूट लगा दिया जाता है कि हम काउंटिंग न करा पाएँ। 750 की लूट लगती है हमारे मित्रों के ऊपर और हमारे जो संबंधी हैं, उसके बाद उसमें भी जो लगाए थे सुला लगा, गलती नहीं थी, हमें डर नहीं है। फिर हमें चुनाव में वोट देने के लिए रोका जाता है, मैंने ज़बरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को वोट देने का काम किया था। उसके बाद नरेश उत्तम पटेल जी का कार्यक्रम लगा था 3 सितंबर को, 3:30 बजे मसौदा में कार्यक्रम लगा था, 2:55 पर फोर्स पहुंचती है दल बल के साथ, हमें गिरफ्तार कर लेती है। वो लोग हमें दिखाते हैं
कि राजा मान सिंह को लखनऊ के सबसे बड़े 5 स्टार होटल हैथ होटल से गिरफ्तार किया जाता है, उठाते हमारे कार्यालय से है गोसाई का यहाँ अयोध्या मसौदा। हमारा कार्यालय है ग्राम सभा के बाहर, मैं खुद कार्यालय बनवा हूँ जनता के सुख दुख में शरीक होने के लिए। जनता वहाँ सुबह आती है, मैं उनसे मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, मुझे कार्यालय सुनाते हैं, मुझे दिखाते हैं ये है। ये जान रहे हैं जिस मैंने 2-4 एक फीडर हमारे यहाँ बिगड़ा पड़ा था साल भर से, और नया फीडर आके रखा हुआ था। ये सब भाई थे, जितने मीडिया भाई थे फैजाबाद के, सब लोग गए थे। मैंने एक शब्द यही कहा था, जनता दिक्कत, हमें दिक्कत, हमें दिक्कत, पूरे प्रदेश को दिक्कत। यही उन लोगों को बात अखड़ गई और 24 घंटे के अंदर हमने यही कहा था, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और ये फीडर अगर नहीं लगा तो। उसी तीसरे दिन सत्ताधारी के विधायक के एक सीएम जो थे, रिश्तेदार थे, साड़ू थे, यही सब कारण था। योगी जी ने हमें, मेरा पुराना मुकदमा था उसको भी खोल दिए, बाइज्जत में बरी हो गया। 15 दिसंबर को मैं अपहरण कांड में बरी हो गया हूँ और आप लोगों के बीच में जनता के सुख दुख में आ गया हूँ। जो विरोधी लोग थे फर्जी मार्कशीट में, जाली मार्कशीट में 5 साल की सजा पा गए हैं, मौजूदा में मंडल कारागार फैजाबाद में। अच्छा, मतलब जिन्होंने आरोप लगाया था वो इस वक्त जेल में। मतलब ये सिक्का पूरा पलट गया, 420 में वो जेल में है, फर्जी मार्कशीट में लगाए, बीए फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं, जाली मार्कशीट बनवाते हैं, सेकंड ईयर में दाखिला ले लेते हैं, ये सब घटनाएं हैं। अब जान लीजिएगा जाली कागज के बेस पे आखिरकार जो है इनके जो विपक्षी थे, विरोधी कह सकते हैं, वो इस वक्त जेल में है, सलाखों के पीछे है। ये थे राजा मान सिंह, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और काफी कद्दावर नेता हैं, अयोध्या से ताल्लुक रखते हैं, और इनका साफ मानना है कि इस बार अयोध्या में साइकिल जरूर चलेगी। कैमरा पर्सन इरफान आरिक और सहयोगी आजम खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज टाइम नेशन, अयोध्या। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।